आम आदमी पार्टी की सरकार का मंत्री दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली एक जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में कैद है, और वीडियो में सामने दिख रहा है कि एक और कैदी उसको मसाज दे रहा है और वो कैदी अपनी ही बेटी के बलात्कार के जुर्म में अंदर है। यहां आपको कहा गया, दिल्ली के मीडिया को कहा गया, मनीष सिसोदिया जी द्वारा या अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि साहब सत्येंद्र जैन बीमार है इसलिए ये उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। आज पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन बीमार नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी बीमार है, नेतृत्व बीमार है, सड़ी हुई पार्टी, बीमार पार्टी। उदाहरण आपके सामने है, ये हिंदी पिक्चरों में भी ऐसा आपने राजनीति का रूप नहीं देखा होगा। गुजरात की भी बड़ी अच्छी पिक्चरें बनती हैं, कुछ मैंने भी देखी हैं, लेकिन ऐसा रूप राजनीति का आपने न गुजराती फिल्मों में देखा होगा न हिंदी फिल्मों में देखा होगा। ये लोग राजनीति को बदनाम करने आए, और आज हम पूछना चाहते हैं कहां है अन्ना हजारे, क्यों नहीं मुंह खुल रहा अब उनका। ये स्वच्छ राजनीति के दम भरने वाले लोग, इनका असली चेहरा आज पूरा विश्व देख रहा है। कल एक और नजारा हमने आपने देखा, गुजरात चुनाव के प्रचार प्रभारी आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह यादव, एक आरोप अभी यहां भी उन पर लगा था कुछ हफ्तों पहले, महिला का, कल पिट रहे थे दिल्ली में, जनता पीट रही थी उनको, उस जनता में उनके अपने कार्यकर्ता भी शामिल थे, टिकट बेचने के आरोप। हिंसा का स्थान राजनीति में होना नहीं चाहिए, हमने सुना यहां भी काफी लोग ढूंढ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जो टिकट बेचने आए थे यहां, उनको यहां अब आने की हिम्मत नहीं है। संयम बनाए रखना चाहिए, लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में इस तरह के नजारे अगर दिखते हैं तो राजनीति पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। सुबह से अब शाम के 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, कोई और सफाई नहीं आई आम आदमी पार्टी की। आए बताएं ना, ये कौन सी फिजियोथेरेपी थी, ये कौन फिजियोथेरेपिस्ट था जिस पर अपनी ही बेटी के बलात्कार का आरोप हो, और आपने उसके एवज में उसको क्या वादे किए, क्या उसका केस हल्का कर देंगे, क्या उसको रिहाई हो जाएगी, और निर्भया कांड में सबसे ज्यादा प्रखर होकर बोलने वाली यही पार्टी थी, सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। आज इनका असली रूप देखिए कि एक बच्ची के बलात्कार का आरोपी पिता से ये सेवाएं ले रहे हैं, गैर कानूनी रूप से सेवाएं ले रहे हैं, अपने ही मंत्री जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, वो व्यक्ति उसकी मालिश कर रहा है, उसकी सेवाएं कर रहा है। संबित पात्रा जी की समस्या यह है कि वो बहुत देर से जागते हैं। कल भरत भाई सोलंकी ने खुद अपना वीडियो निकाला, मंच पे मैं भी था, जगदीश भाई भी थे। बताता हूँ क्या हुआ, राहुल जी बोल रहे थे हिंदी में, भरत भाई गुजराती में अनुवाद कर रहे थे, सामने लोग जो बैठे थे वो चिल्ला के बोले कि हमें हिंदी समझ में आ रही है, अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, भरत भाई अपने स्थान पर बैठ गए। अब ये बात सबको मालूम है, भरत भाई ने कल वीडियो निकाल के वो जाहिर भी कर दी। अब यहां से ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है ही नहीं, 27 साल जो उन्होंने इस राज्य की हालत कर दी, जो हम लोगों ने एक्सपोज किया भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6-8 महीने में, जो हमारे 8 वचन हम सामने लाए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रचार कैसे करें, क्या बोलें। हर चुनाव में कभी विक्टिम बन जाएंगे, साहब मेरे साथ तो ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, अब वो भी नहीं हो पा रहा, तो कोई बहाना नहीं बचा, तो साहब ये हो गया। तो
जो सोया हुआ है, जो जाग ही नहीं रहा, उसकी बातों का क्या जवाब देना? छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए उनको। आए हैं थोड़ा घूमने घामने, घूमने दीजिए, गुजरात अच्छी जगह है, कुछ खा पी के चले जाएंगे। थैंक यू। क्या हुआ? नहीं, थैंक यू। आइए।